हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेड्डी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के 10th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिया है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, सारे के सारे चार क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठा लिया है फिजिक्स का। देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है लॉजिक गेट का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गेट ऑपरेशंस दे रखा है, इसको ऑपरेट करके आपको बताना है कि जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर एक तरीका तो मैंने बार बार बताया कि आप सबके लिए चार्ट बना लो, एंड और वगैरह वगैरह के लिए आप चार्ट बना लो, उसके बाद में आप वैल्यूज पुट कर करके चेक कर लेना, ठीक है। अगर उस तरीके से करोगे तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट होता है। और जो एक और तरीका वो है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हो गया ए नॉट, तो ये हो जाएगा ए नॉट, और फिर ये हो जाएगा बी नॉट, ठीक है। और ये दोनों यहां पर क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं नॉर गेट में, तो ये पहले तो हो जाएंगे और फिर लग जाएगा नॉर, ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास में y का वैल्यू। और जब डी मॉर्गन लॉ वगैरह लगाएंगे यहां पर हम लोग, तो लॉ लगाने के बाद में प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में ये निकल के आ जाएगा ए डॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको लेना है ए, आपको लेना है बी, आपको लेना है और, आपको लेना है नॉर, आपको लेना है एंड, आपको लेना है नैंड। इसके बाद आपको क्या करना है, 0 1 1 0 1 1 और 0 1, ऐसे वैल्यूज ले लो। और के लिए आप वैल्यूज यहां पर डाल दो, यहां पर हो जाएगा 0 0 यहां पर लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 1 0। नॉर के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, एंड के लिए आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 1, बाकी सारा 0 हो जाएगा, और नैंड के लिए एंड का उल्टा हो जाएगा 1 1 0 1, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर कुछ वैल्यू लेना है। से फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आप कौन सी लोगे, मान लो ये वाला वैल्यू ले लो आप, सेकंड वाला, तो ए आ रहा है 1 और बी आ रहा है 0, यहां पर आप डालो ए को 1, बी को डालो 0, यहां पर नॉट गेट लगेगा तो ये हो जाएगा 0, नॉट गेट लगेगा ये हो जाएगा 1, और 0 और 1 में जब नॉट गेट लगाएंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, पहले तो और लगाओ, और में आएगा 1, और फिर नॉट लगाओ तो और पे नॉट लग जाएगा तो नॉर निकल के आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा आंसर वाई का 0। तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और गेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कैंसिल मारो, नैंड गेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कैंसिल मारो। उसी तरीके से एक और वैल्यू ले लो, कुछ और ले लो, ठीक है। अब आपको नॉर और एंड में डिफरेंशिएट करना है तो आप ये वाला वैल्यू ले लो 0 0, इसमें आप चेक करो तो आप इसको ले लोगे 0, इसको भी ले लोगे 0, तो ये आएगा नॉट केस में 1, ये आएगा नॉट केस में 1, और दोनों जब और गेट लगाएंगे तो यहां पर वापस से 0 निकल के आ जाएगा, तो यहां पर आ रहा है 0, नॉर केस में आ रहा है 1, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहां पर फाइनल आंसर जो है वो एंड निकल के आ जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है ग्राफ बनाना है आपको बेसिकली मोमेंटम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में, तो लैम्डा होता है एच बाय एम वी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। तो आपको पता है अगर हम लोग मोमेंटम का वैल्यू को कम करते जाएं तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, अगर हम लोग मोमेंटम का वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो लैम्डा का वैल्यू कम होते जाएगा। बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ है, जो पहला वाला ग्राफ है, वो यहां पर करेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है SHM है, और यहां पर कह रहा है कि वेलोसिटीज एट डिस्टेंसेस x1 एंड x2 फ्रॉम द मेन पोजीशन आर v1 एंड v2, इट्स टाइम पीरियड इज। आपको मैंने बताया था एक्सप्रेशन कि v होता है ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मैंने बताया था, इसी को आप यूज करो। और मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्रेशन होता है, मैं इसका दूसरा वाला याद करता हूं, वो करता हूं मैं v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि मैं ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा याद रखता हूं, ठीक है। अब इसको लगाओ, आप दो बार लगाओ, यहां पर v1 स्क्वायर हो जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, सेकंड के लिए लगाओगे तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। दोनों एक्सप्रेशन को आप कर दो यहां पर माइनस, तो आपको मिल जाएगा यहां पर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, और यहां पर आपको मिल जाएगा इक्वल्स टू में ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। और यहां पर आपको मिल जाएगा ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर ऑफ, यहां पर आपको मिल जाएगा ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर ऑफ x2 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है, 2π बाई टाइम पीरियड, ओमेगा होता है 2π बाई टाइम पीरियड, तो यहां से टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 2π बाई ओमेगा। इसको जो आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, और 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये यहां पर करेक्ट निकल के आ जाएगा। यहां पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सिंपल लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है कि फोर्स लग रहा है यहां पर 14 न्यूटन का, तो जब 14 न्यूटन का यहां पर फोर्स लग रहा है तो पहले तो आप क्या करो, इसका जो टोटल एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, वो निकाल लो। आपके पास में मास दे रखा है 4, 2 और 1, ठीक है, वैल्यूज इस तरीके से दी रखी हैं कि कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। तो जो पूरा एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, सबसे पहले वो होता है फोर्स बाय मास, 14 अपॉन टोटल मास, टोटल मास हो जाएगा यहां पर 7, तो निकल के आ जाएगा आपके पास में 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए वाला ब्लॉक है ये भी 2 से मूव कर रहा है, बी वाला भी 2 से मूव कर रहा है, सी वाला भी 2 से मूव कर रहा है। यहां पर निकालना क्या है,
निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो आप क्या करो, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जो फोर्स बी पे लग रहा है वही कॉन्टैक्ट फोर्स है ए और बी के बीच में, ठीक है, मतलब सेम ही होगा ना, जो बी पे लग रहा है और जो उसका रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन जो भी हो। तो आप या तो ए के लिए अगर यूज करोगे, तो ए के लिए जब आप यूज करोगे तो आपको यहां दिखेगा 14, यहां पर आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम लोग ले लेते हैं एफ, और यहां पर आपको दिखेगा कि 14 माइनस एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ए का मास है 4 और ए का एक्सेलरेशन कितना है 2, तो हो जाएगा 4 × 2 = 8, यहां से एफ निकल के आ जाएगा, आपको 6 मिल जाएगा। और अगर आप एक और काम करो कि आप सिर्फ बी को चेक कर लो, तो यहां पर जो फोर्स है वो बी पे लग रहा है और बी पे जो फोर्स लग रहा है वही उसका मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो यहां पर जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू बी का मास जो कि 2 है और बी का एक्सेलरेशन जो कि 4 है, ठीक है। अब यहां पर बात यह हो रही है कि ये यहां पर बी और सी के बीच में भी एक एक्शन रिएक्शन लगेगा, तो आप बी और सी के बीच में एक्शन रिएक्शन चेक करोगे तो पहले तो सी के लिए आप चेक करो, सी के लिए आपको क्या मिलेगा, सी पे जो फोर्स लग रहा है, सी पे इधर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो सी पे जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली कितना निकल के आ रहा है, सी का मास, इसको मतलब सोच लो यार, सी के लिए जो फोर्स लग रहा है एफ ऑन सी वो है सी का मास, सी का मास कितना है यहां पर 1 kg, तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 1 kg इनटू सी का एक्सेलरेशन जो कि कॉमन एक्सेलरेशन है 2, तो यहां पर एफ सी कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये जो FC है, ठीक है, समझो ये जो FC लग रहा है C के ऊपर, FC भी क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा B के ऊपर, तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F माइनस ऑफ FC, समझ रहे हो, तो यहां पर बेसिकली F माइनस ऑफ FC करना है, दैट इज इक्वल्स टू 4 है और FC का वैल्यू कितना है, यहां पर 2 निकल के आ जाएगा, तो F कितना हो जाएगा 4 + 2 जो कि 6 होगा, समझो इस चीज को। आपको चेक करना है कि कहां कहां पर रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, ए के ऊपर में एक 14 लग रहा है और एक एफ लग रहा है, ठीक है, बी के ऊपर में एक एफ लग रहा है इस तरफ और एक एफ सी लग रहा है इस तरफ, सी के ऊपर में कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है, सी के ऊपर में सिर्फ इधर एक लग रहा है, इधर कुछ नहीं लग रहा है। तो आप चाहे तो ए के वजह से निकाल लो, या तो आप बी को यूज करके निकाल लो, या तो आप सी को यूज करके पहले एफ सी निकालो और फिर उस एफ सी को यूज करके बी में आप एफ का वैल्यू यहां पर निकाल लो, ठीक है, डायरेक्टली जैसा कि मैंने पहले किया था कि डायरेक्ट मैंने एफ को इक्वल कर दिया फोर्स से, तो वो गलत था क्योंकि वहां पर एफ सी भी लग रहा है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स सी के वजह से भी आ रहा है, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है, यहां पर आप कुछ भी कर लो, आप ए को यूज कर लो, बी को यूज कर लो, सी को यूज कर लो, तीनों को यूज करके अच्छे से वेरीफाई कर लो ताकि आपका जो आंसर है वो करेक्ट निकल के आ जाएगा, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा, आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।